हेलो एरिवान, तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मैनेजर से कह दिया था कि वह उसे पसंद करता है, जिसे सुनकर चिड काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह जाता है। माई फिर चिड से कहता है, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तभी मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था, और उसके बाद मैं तुम्हें पसंद करने लगा था, और तुमसे मिलने के बाद मैं हमेशा बस तुम्हारी नज़दीक आने की कोशिश करता रहा। हमें जानता हूँ ये सब करना इनअप्रोप्रिएट है, लेकिन मैंने जैसा तुम्हारे लिए फील किया है मैंने ऐसा पहले कभी भी किसी के लिए फील नहीं किया, तो प्लीज़ क्या तुम मुझे एक चांस दोगे? यह सुनकर चिड़ कुछ भी नहीं कह पाता, लेकिन उसकी दिल की धड़कन वह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और यह सब उसके हाथ में बंधी हुई वॉच बहुत अच्छे से बताती है। चिड़ फिर माई से कुछ कहने ही वाला था तभी माई कहता है, तुम्हें अभी कोई जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन बस मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था। तो फिर चेट पूछता है, माई तुम मुझे पसंद क्यों करते हो? तो इस पर माई कहता है, तुमसे प्यार न करने की मेरे पास कोई भी वजह नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ। यह सुनकर चेट काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं, एक लेडी के पास एक टोकी था जिससे वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, तो वह उसे बाहर छोड़ने जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ से चेट गुजर रहा था, और फिर हमें दिखाते हैं उस तरफ से माई भी गुजर रहा था, और वह जेड को देख लेता है। जेड उस लेडी से कहता है कि ये टोकी आप मुझे दे दीजिए, तो वह लेडी जेड को देखकर चली जाती है, और जेड का यही बिहेवियर माई को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, और यहीं पे फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। जेड फिर माई से कहता है, माई मैं बहुत ही बोरिंग लड़का हूँ, और हम दोनों के बीच पसंद करने जैसा कुछ भी नहीं है, और हम दोनों बस एक दूसरे के क्लोज हो सकते हैं। यह सुनकर माई कहता है, जेड तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो इस पर जेड कहता है, क्योंकि मुझ जैसे लड़के को कोई भी पसंद नहीं करता। माई कहता है, लेकिन मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और यह कहकर माई जेड के नज़दीक आने लगता है। लेकिन जैसे ही माई जेड को किस करने वाला था तभी जेड को वॉमिटिंग होने लगती है, तो वह वहाँ से भाग जाता है, और यह सब देख कर माई काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगता है। अगले दिन माई जेड को ऑफिस के लिए लेने के लिए आता है। जेड अंदर बैठ जाता है, और जैसे ही वह अपना सीट बेल्ट लगाने वाला था तभी माई जेड के नज़दीक आ जाता है, और जिसे देखकर जेड तो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। माई फिर जेड का सीट बेल्ट लगा देता है और उसे लंच देता है जो कि हार्ट शेप में बना हुआ था। इसे देखकर जेड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वह माई को थैंक यू कहता है। इसके बाद जेड म्यूजिक चलाता है, लेकिन वो सभी लव सॉन्ग थे, जिसे देखकर जेड काफ़ी ज़्यादा एम्बेरेस होता है, और फिर वह म्यूजिक को बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो लोग ऑफिस में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सब कुछ पिंक ही था। तो जेड माई से कहता है, माई यहाँ पर सब कुछ पिंक कलर में ही क्यों है? तो माई जेड के नज़दीक आता है और कहता है, क्योंकि शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। यह सुनकर जेड सोचने लगता है, जेड तुम्हें ब्लश नहीं करना है। तभी माई के पास उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, तो वह जेड से ये कहकर चला जाता है कि वह अपनी मॉम से बात कर कर आता है। मॉम माई से कहती है कि वह अभी इस वक्त बैंकॉक में है, और वह भी मान के घर क्यों नहीं आ जाता, क्योंकि वो सभी साथ मिलकर डिनर करेंगे। तो इस पर माई कह देता है, ठीक है मॉम, लेकिन मैं जब वापस घर आऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो इस पर मॉम कहती है, तो तुम वहीं पर क्यों नहीं रुक जाते? माई कहता है, मॉम लेकिन मुझे मॉर्निंग में ऑफिस भी तो जाना है। तो इस पर मॉम कहती है, लेकिन मान का घर भी तो तुम्हारे ऑफिस के नज़दीक ही है। माई कहता है, मॉम लेकिन मुझे अपने कोंडों में सोना अच्छा लगता है। मॉम कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी इच्छा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं माई जेड के लिए ड्रिंक लेकर आता है, और उसे देख कर जेड कहता है, माई तुम्हें अच्छे से पता है मुझे क्या चीज़ पसंद है। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा लवी डवी बन रहे थे, और ये सब कस्बी वहीं खड़ा नोट कर रहा था। जेड उस ड्रिंक को पीकर उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगता है। गस जेड से कहता है, उसके अपार्टमेंट के पास ही एक रेस्टोरेंट है जिसका हॉटपॉट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो क्या वह उसके साथ चलना चाहेगा? इस पर जेड हाँ कह देता है, और वह माई से भी इस बारे में पूछता है। तो माई जेड से कहता है, क्या हम लोग कल चल सकते हैं, क्योंकि आज मुझे मेरी भाई के घर जाना है। तो यह सुनकर जेड कहता है, ठीक है तो हम लोग कल चलेंगे। यह सुनकर माई जेड से कहता है, तुम हमेशा ही मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हो। यह सुनकर चिड़ काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराने लगता है। तभी कसुन से कहता है, हे तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? लेकिन तभी वहाँ पर तोंग आ जाता है, और वह कस से कहता है, मैं हॉटपॉट खाने जा रहा हूँ, तो क्या तुम आना चाहोगे? कस बहुत ही रूडली तरीके से कहता है कि नहीं। यह देखकर चिड़ उन दोनों से पूछता है, क्या तुम दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ है?
कस कहता है नहीं, लेकिन तुम कहता है हाँ, उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। तभी कस कहता है नहीं, हम दोनों के बीच झगड़ा नहीं हुआ है। तो तुम कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। कस तुम से कहता है लेकिन भला मैं तुमसे बात क्यों करूँ। यह सुनकर तुम कहता है क्या तुम सब कुछ यहीं पर कहना चाहते हो। तभी जेड कहता है हे तुम दोनों बात क्या कर रहे हो, आखिरकार मुझे भी तो बताओ। लेकिन तुम कस का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। जेड जब पीछे घूम कर देखता है तो माई उसके नज़दीक ही खड़ा था। माई जेड से कहता है तुम फिर से मिडल मैन बनकर दूसरों की इन्वेस्टिगेशन करने लगे। तो यह सुनकर जेड बस प्लस करने लगता है। दूसरी तरफ तुम कस को एक रूम लेकर आ जाता है और उससे कहता है तुम इतनी सी बात को लेकर मुझसे आर्ग्यू करना चाहते हो। तो इस पर कस कहता है नहीं, मैं तुमसे कोई आर्ग्यू नहीं करना चाहता। तुम कहता है तो फिर तुम मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं कर रहे। कस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ मैंने जो भी कुछ किया वो गलत किया, लेकिन प्लीज़ अब हम दोनों फिर से फ्रेंडशिप कर लेते हैं ना। तो इस पर कस कहता है नहीं, मैं इतनी आसानी से तो नहीं करने वाला। यह कहकर कस वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी तुम कस का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने नज़दीक खींचता है, जिसकी वजह से कस तुम के चेस्ट से आकर टकराता है। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो चुकी थी। तुम धीरे धीरे कस के नज़दीक जाने लगता है। कस को लगता है कि तुम उसे किस करने वाला है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तुम कस के बस नाक को पिंच करता है। कस यह देखकर काफ़ी ज़्यादा प्लस करने लगता है तो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं माई अपने मॉम डैड के घर आ चुका था। डैड माई से पूछते हैं कि उसकी इंटर्नशिप कैसे चल रही है। तो इस पर माई कहता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी, सीनियर उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहा है। तभी माई का भाई माई से पूछता है कि उसका नाम जेडी है ना, और मॉम कह रही थी कि तुम उससे काफ़ी ज़्यादा अटैच हो। तो यह सुनकर माई कहता है हाँ, और अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मेरा किसी पर क्रश है। यह सुनकर मॉम माई से पूछती है माई इससे तुम्हारा क्या मतलब है। माई कहता है मॉम मैं जेड को पसंद करता हूँ, एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों को इस बारे में बताने की सोच रहा था, लेकिन आज जब हम सभी लोग यहाँ पर हैं तो इससे ज़्यादा अच्छा मौका बताने के लिए क्या हो सकता है। यह सुनकर मॉम और डैड तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। लेकिन फिर डैड माई से कहते हैं तुम अब बड़े हो चुके हो और मैं तुम्हारी डिसीजन की रेस्पेक्ट करता हूँ। तभी माई का भाई माई से पूछता है कि तुम मेंस को पसंद करते हो। तो इस पर माई कहता है हाँ भाई, क्या इसमें कुछ गलत है। तो इस पर माई का भाई कहता है नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बस मैं ये सोच रहा था कि मुझे इस पर किससे रिएक्ट करना चाहिए। तभी मॉम माई से पूछती है माई क्या तुमने अपना मन पूरी तरीके से बना लिया। तो माई कहता है हाँ मॉम, और मैंने इस बारे में जेड से भी कह दिया है। तो डैड पूछते हैं तो फिर उसने क्या जवाब दिया। माई कहता है उसने कहा कि वह अभी इन सब के लिए तैयार नहीं है, तो उसे कुछ वक्त चाहिए और मुझे लगता है कि वह भी शायद मुझे पसंद करता है। मॉम कहती है ये अच्छी बात है, अभी भी वक्त है, तब तक तुम दूसरे लोगों से भी मिल सकते हो। मैं ये सब इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि। तभी डैड मॉम को बीच में इंटरप्ट करते हुए कहते हैं ये अब बड़ा हो चुका है तो ये अपना रास्ता खुद तय करना जानता है। तभी माई का भाई माई से कहता है अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कह सकते हो। तो यह सुनकर माई खुश हो जाता है और कहता है थैंक यू सो मच, आपने मुझे समझने की कोशिश की। दूसरी तरफ जेड किंग और उवा से मिलने के लिए आता है, लेकिन किंग समझ जाता है कि बात तो कुछ और है। तो वह जेड से पूछता है बताओ जेड बात क्या है। जेड कहता है मैंने कहा ना कि मैं बस काफ़ी दिनों से तुम लोगों से मिला नहीं तो मिलने के लिए आ गया। तो इस पर किंग कहता है ये तुम पहले भी कह चुके हो। यह सुनकर जेड कहता है मुझे तुम लोगों से ओपिनियन चाहिए। यह सुनकर वह कहता है जेड क्या कुछ हुआ है। जेड कहता है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मैं अपने फ्रेंड के लिए पूछना चाहता हूँ। तो यह सुनकर किंग कहता है तुम कौन से फ्रेंड की बात कर रहे हो। तो जेड कहता है नहीं नहीं वो मेरा फ्रेंड नहीं है, एक्चुअली मैं अपनी सिस्टर की बात कर रहा हूँ। तो इस पर वह कहता है हाँ तो बताओ उससे क्या हुआ है। जेड कहता है उससे किसी ने अपना प्यार कन्फेस किया है और वह लड़का भी देखने में भी काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यह सुनकर किंग कहता है तुम किसकी बात कर रहे हो। तो जेड बिना सोचे कहता है मेरी। यह सुनकर वह कहता है क्या तुम अपनी बात कर रहे हो। जेड कहता है हे मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तुम लोग मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हो। वह स्माइल करते हुए कहता है जेड तुम्हें करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें अपनी दिल की सुननी है और तुम्हारा दिल क्या कहता है वही करना है। तो इस पर जेड कहता है नहीं नहीं मेरे कहने का ये मतलब नहीं था।
तो वह कहता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना कि माइक के कन्फेशन पर तुम्हें कैसे रिएक्ट करना है। यह सुनकर जेड काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वह कहता है, तुम लोग इस बारे में जानते हो। यह सुनकर किंग और वह काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगते हैं। फिर वह जेड से कहता है, तुम्हें एक दूसरे को और भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। तभी किंग कहता है, तुम उसे डेट क्यों नहीं कर लेते। यह सुनकर वह किंग को हिट करता है और कहता है, यह सब तुम क्या कह रहे हो। तो किंग कहता है, डार्लिंग मैं तो बस इसे एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि इसी तरीके से ये समझ भी जाएगा कि ये माइक के लिए क्या फील करता है और इसे कुछ खोना भी नहीं पड़ेगा। किंग की बातें सुनकर जेड बस माइक के बारे में ही सोचने लग जाता है कि लास्ट नाइट वह उसके पास किस तरीके से आ रहा था। और ये सब सोचकर जेड के दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर से उसकी वॉच वार्निंग देने लगती है। यह सुनकर किंग काफ़ी ज़्यादा स्माइल करता है और फिर वह जेड से कहता है, जेड तुम इसका जवाब ऑलरेडी जानते हो। अगले दिन माई जेड के लिए बबल टी लेकर आता है, लेकिन जेड तो अपने में ही खोया हुआ था तो वह माई की बातों पर ध्यान नहीं देता। और जब अपने ख्यालों से बाहर निकलता है तो माई जेड से पूछता है, हे तुम कहाँ खोए हुए थे। तो जेड कहता है, नहीं कहीं भी तो नहीं, और वैसे तुम मुझे आवाज़ क्यों दे रहे थे। तो फिर माई जेड की तरफ बबल टी बढ़ा देता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए ये टी लेकर आया हूँ। जेड उस टी को लेने लगता है लेकिन वह गलती से माई के हाथ को भी पका लेता है। और जब वह उस टी को लेने लगता है तो माई जेड के पास आकर कहता है, तुम बबल टी लेना चाहोगे या फिर मुझे। यह सुनकर जेड काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है लेकिन फिर वह कहता है, मुझे बबल टी चाहिए। और यह कहकर वह उसे पीने लग जाता है लेकिन तभी जेड के पेट में दर्द होने लगता है। तो माई जेड को संभालता है और फिर कहता है, क्या हुआ जेड, तुम ठीक तो हो ना। तो जेड कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माई जेड के पास बैठता है और उससे कहता है, जेड अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ तुम सबसे पहले मुझे कहोगे। यह सुनकर जेड काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगता है और फिर से वह बबल टी पीने लगता है लेकिन फिर से उसकी कंडीशन वैसे ही होती है। तो फिर से माई जेड को संभालने के लिए आ जाता है। तो जेड कहता है, हे मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस पर माई कहता है, ऐसा मजाक दोबारा मत करना क्योंकि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अगले सीन में दिखाते हैं, सभी लोग ऑफिस वर्क कर रहे थे तभी माई के पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो वह उन्हें चेक करता है और फिर वह जेड से कहता है, जेड अभी किंग और उन्होंने मुझे मैसेज किया है। लेकिन तभी माई देखता है कि जेड तो अपने ख्यालों में ही खोया हुआ है। माई फिर से जेड से कुछ कहता तभी वहाँ पर गन आ जाता है और वह उससे कहता है, प्लीज़ मेरे मैसेज को रीड करो क्योंकि डेडलाइन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो प्लीज़ इन्हें रीड करना मत भूलना। यह कहकर वह चला जाता है। जेड गन के मैसेज को रीड करने लगता है जिसमें लिखा था कि इस साल जीतने वाली टीम को प्रत्येक आदमी को 500 पार्ट मिलने वाले हैं और प्लीज़ मुझे तुम्हारा साइज और तुम्हारे इंटर्न का साइज बताना मत भूलना। यह रीड करने के बाद जेड कहता है, हम दोनों का तो लार्ज साइज है। और फिर वह माई से पूछता है, माई तुम्हारा साइज लार्ज ही है ना। माई कहता है, हाँ लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। तो इस पर जेड कहता है, स्पोर्ट डे के लिए टीशर्ट बनाने के लिए। लेकिन तभी मॉम कॉल पूछता है, जेड तुम्हें इसका साइज कैसे पता। जेड के पास इसका कोई जवाब नहीं होता लेकिन फिर वह बहाना मार देता है, एक बार माई ने मेरा शर्ट लिया था तो ये कॉमन सी बात है, मुझे तो इसके बारे में पता चल गया। तभी मॉम कॉल कहता है, लेकिन इसने तुम्हारा शर्ट कब लिया। अब जेड के पास कोई जवाब नहीं होता। तो मॉम कॉल कहता है, तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस लग रहे हो। जेड कहता है, नहीं हम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा, बस हम दोनों साथ में घर जाते हैं। मंगोल कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो। जेड कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा। लेकिन फिर भी मंगोल उनसे पूछने लगता है और कहता है, तुम इस साल मेरी टीम में ही रहोगे। तो जेड कहता है, नहीं इस साल मैं तुम्हारी टीम में नहीं रहूँगा। मंगोल कहता है, क्यों। जेड कहता है, क्योंकि तुम्हारी टीम हर साल हार जाती है। मंगोल फिर से जेड को मनाने लगता है। तो जेड कहता है, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। यह सुनकर मंगोल भी घर चला जाता है। दूसरी तरफ गस टोंग से कहता है, क्या हम लोग भी घर चले। टोंग भी हाँ कहता है और फिर वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। अब ऑफिस में सिर्फ जेड और माई ही बचे थे। जेड माई के पास आता है और उससे कहता है, माई इस साल का स्पोर्ट्स डे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि इस साल जीतने वाले प्रत्येक मेम्बर को 500 पार्ट मिलने वाले हैं। यह सुनकर माई कहता है, हाँ किंग और उन्होंने मैसेज करके बता दिया था। तो फिर जेड भी उस मैसेज को चेक करने लगता है। अब सभी लोग
इस बर्थडे के लिए आ चुके थे और सभी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। वो लोग गेम खेल रहे थे लेकिन तभी माई गिर जाता है। यह देखकर जेड तुरंत दौड़कर माई के पास आता है और उसके हाथ को चेक करने लगता है और फिर वह माई से पूछता है, माई तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? माई कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जब मैं रोप को पुल कर रहा था तभी मेरे हाथ में दर्द हो गया था। जेड कहता है, तुम्हें मेडिसिन लगा लेनी चाहिए। तो माई कहता है हाँ, और जेड को इस तरीके से परेशान होता हुआ देख कर माई काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और जब जेड पीछे घूम कर देखता है तो सभी लोग उसी की तरफ देख रहे थे क्योंकि माई और जेड तो ना अपोजिट टीम में थे। लेकिन जब माई पीछे घूम कर देखता है तो गस माई के मेडिसिन लगा रहा था, जिसे देख कर जेड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जेड सोचने लगता है, क्या मैं जेलेस हो रहा हूँ? इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जेड का किसी टॉप नाम के लड़के पर क्रश था और वह डेली उसका मैच देखने जाता था। टॉप जेड के पास आकर कहता है, तुम मुझे इस तरीके से रोज चीयर अप करके बोर नहीं होते? जेड कहता है, नहीं मुझे तो तुम्हें खेलते हुए देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। टॉप कहता है, मुझे लगा कि तुम इसीलिए आते हो क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। जेड कहता है, टॉप अभी अभी तुमने क्या कहा? टॉप कहता है, मुझे पता है कि हम दोनों 6 महीने से मिल रहे हैं और इसीलिए बस मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यह सुनकर जेड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वह कुछ नहीं कह पाता। टॉप जेड से कहता है, अगर तुम्हारी हाँ है तो तुम इस ड्रिंक को पी सकते हो। और जेड तुरंत उस ड्रिंक को ले लेता है और उसे पी लेता है। यह देखकर टॉप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन जब एक दिन जेड टॉप से मिलने के लिए जाता है तो टॉप जेड से कहता है कि वह उससे ब्रेकअप करना चाहता है। यह सुनकर जेड तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। टॉप जेड से कहता है कि हम दोनों 1 महीने से एक साथ रह रहे हैं लेकिन इस 1 महीने में मुझे पता चल गया है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो, तुम बहुत ही जल्दी जेलेस हो जाते हो और तुम अपने फ्रेंड के पास भी चले जाते हो, बल्कि तुम्हें तो मेरी फिक्र नहीं होती है और तुम्हारा यही ये मुझे हमेशा अनोई करता रहता है। तो इस पर जेड पूछता है, टॉप तुम किसी और को पसंद करते हो? टॉप कहता है, नहीं मैं किसी और को पसंद नहीं करता, लेकिन जो भी कुछ हुआ है ये तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम इसी तरीके से बनते रहे तो फिर तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करेगा, तो ये सब करना बंद कर दो। यह कहकर टॉप वहाँ से चला जाता है और जेड काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। और यही सब सोचकर जेड काफ़ी ज़्यादा सीड हो रहा था और बस वह माई और गस की तरफ ही देखे जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर मॉन्कॉल आ जाता है तो वो दोनों डांस करने लगते हैं और यह देखकर माई काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो सभी लंच कर रहे थे लेकिन किंग जेड को बातों में लगाकर उसका ऑमलेट चुरा लेता है। जेड यह देखकर कहता है, मेरा ऑमलेट कहाँ पर गया? किंग कहता है, ये मेरा ऑमलेट है। जेड कहता है, तो फिर मेरा कहाँ पर गया? माई भी वो सब देख लेता है तो फिर वह जेड को अपना ऑमलेट दे देता है जिससे जेड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। किंग कहता है, क्या बात है माई, तुम तो इसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। तो इस पर माई कुछ भी नहीं कह पाता लेकिन तभी पास कहता है कि वो लोग लंच के बाद फ्रेशन अप हो जाए क्योंकि वो लोग फिर से अपनी एक्टिविटी करने वाले हैं। यह सुनकर जेड किंग से कहता है कि वह उसकी ड्रिंक की बोतल को ओपन कर दे लेकिन किंग मना कर देता है। तो माई वो बोतल ओपन करके दे देता है और यह देख किंग और वह काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगते हैं। और जब वो लोग लंच कर लेते हैं और जब लंच बॉक्स को वो डस्टबिन में डालने जा रहे थे तभी गस माई से कहता है कि वह उसके साथ चलेगा और वो दोनों चले जाते हैं। यह देखकर जेड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ये बात किंग और वह भी नोट कर लेते हैं। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं उन लोगों का फिर से गेम स्टार्ट हो जाता है लेकिन गेम के दौरान टोंग के हाथ में चोट लग जाती है और उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। गस तुरंत टोंग के पास आता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डॉक्टर टोंग को मेडिसिन अप्लाई कर रहे थे। गस टोंग से पूछता है, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? टोंग कहता है, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी गस डॉक्टर से कहता है, प्लीज़ मेरे स्वीट हार्ट का ध्यान रखना। यह सुनकर तो टोंग सरप्राइजली गस की तरफ ही देखने लगता है और डॉक्टर हाँ कह देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो लोग फिर से अपनी एक्टिविटीज़ करने लगते हैं और फाइनली उनके गेम ख़त्म हो जाते हैं। किंग वा के पास आता है और उससे पूछता है, क्या मैंने अच्छे से खेला? तो वा कहता है, हाँ तुमने बहुत अच्छे से किया। किंग कहता है, लेकिन मैंने तुमसे ज़्यादा अच्छे से तो नहीं किया। तभी जेड को दिखाते हैं जो कि माई के पास आ रहा था लेकिन फिर से वहाँ पर गस माइक के पास था और यह देखकर जेड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह वहाँ से चला जाता है।
वह बस जेड को आवाज़ लगा रहा था, लेकिन जेड बिना सुने वहाँ से चला जाता है। और जब किंग और वह देखते हैं तो जेड और माई एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे। वो दोनों जेड के पीछे आ जाते हैं। किंग जेड से पूछता है, तुम्हारे और माई के बीच क्या चल रहा है? तभी वह किंग से कहता है, ये सब तुम क्या कह रहे हो? तो किंग कहता है, वह मैं बस जानना चाहता हूँ, तो बताओ क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? जेड कहता है, नहीं हम दोनों डेट नहीं कर रहे। किंग कहता है, तो फिर तुम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? तुम्हें उसे डेट कर लेना चाहिए और तुम्हें उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। यह सुनकर जेड कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्यार इतना आसान क्यों नहीं होता। यह सुनकर वह कहता है, जेड सच में प्यार आसान नहीं होता, और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम जितना टाइम लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन तुम एक बार इस बारे में अच्छे से सोच लो और तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम क्या चाहते हो। लेकिन तभी डिनर के लिए अनाउंसमेंट होने लगती है और सभी को बुलाया जाता है। वह फिर जेड से कहता है, जेड ये तुम्हारी फीलिंग्स हैं और तुम इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो। किंग ने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हारा दिल पहले से ही जानता है कि तुम क्या करना चाहते हो। यह सुनकर जेड स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वह की टीम जीत जाती है और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी जेड नोट करता है कि वहाँ पर माई नहीं है, तो वह मंगोल से पूछता है, हे माई कहाँ पर है? मंगोल कहता है, मुझे नहीं पता। तो जेड माई को ढूंढने जाता है और जब वह वॉशरूम में आता है तो वह देखता है कि गस माई के पास था और वह इस तरीके से पोजिशन में थे कि ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हो। लेकिन जब गस दूर हटता है तो माई जेड को वहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।